नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें बातें। ये कौन पूछा? बहुत सारे पागल है, अब पागल है काऊ। बताइए, जब हमारा ब्याह हो गया है तो हम शादी काहे करेंगे जी? सर, कई लोग पूछते हैं कि शादी हो चुका है आपका, उनसे कई लोग बोलते हैं। हमरा से उनसे काजल से आपसे काजल तो ये भी पूछते हैं कि आप शादी कर लेंगे, आप चुपचाप तरीके से काजल लगवाने से शादी कर लिए? हाँ, अच्छा, हम कब शादी किए हैं हमको पता नहीं है जी। हो सकता है, देखिए हम एक साथ जब काम करते हैं ना तो सवाले होती हैं, वो उनका प्यार है, वो पूछने का हक है उनको, ये मेरे देवता हैं, इष्ट हैं, और उनके साथ आदमी काम करता है। मैं तो सबसे ज़्यादा स्मृति के साथ मैंने काम किया है, बहुत सारा काम किया है। बहुत लोग तो मेरे बोलते हैं कि ये लोग पति पत्नी लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पारिवारिक जीवन का आदमी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे दो बच्चे हैं, और मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं उन बच्चों के भविष्य को छोड़ के और किसी और का हो जाऊँ। मैं उनके जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं है, और मेरे जीवन में तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैंने तो अपनी जीवन आप सबको दे दी है। मेरे जीवन के लिए तो सब कुछ आप हैं, मेरी जनता है, मेरी पब्लिक है, और उनके लिए सिर्फ खेसारी लाल यादव। पिता भी यही है, बेटा भी यही है, हर कुछ हमारे पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो सब कुछ मैं ही हूँ, तो ऐसा मैं गलती नहीं कर सकता। काजल एक अच्छी आर्टिस्ट है, उनका सम्मान है, उनके साथ काम करता हूँ, उनका भी अपना जीवन है, मेरा भी अपना जीवन है। मैं और ऐसे कोई पूछता है तो ठीक है, उनका प्यार है, उनको बुरा कैसे बोल सकते हैं, उनको हक है। जब उनको प्यार करने का हक है तो क्या सवाल करने का हक नहीं? तो ये सब दुख की बात नहीं है, लव ही पगले। और पूछो कितने शादी करना है मुझे, मैं तो डेली शादी करता हूँ। शादी का मतलब कि मेरी लफड़े तो होते ही है, मेरे जैसे सिनेमा में लफड़े तो चलते रहते हैं, तो जिस सिनेमा में आदमी लफड़ा करता है तो समझो कि शादी ही है। एक 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 हीरोइन का पति नहीं हूँ मैं, कम से कम हजारों हीरोइनों का पति हूँ सिनेमा के लिए, लेकिन मैं पति और हस्बैंड, दूल्हा, हर वो चीज़ सिर्फ एक का हूँ, जिसका नाम चंदा है, और आज से 12 साल पहले मेरी शादी हो चुकी है, और सिंदूर का हक उसी को है, और मेरे नाम का सिंदूर उसी के मांग में खिलता है। बाकी चीज़ें तो बनावटी है, वो मेरा सिनेमा है, वो मेरा वर्क है, वो करते रहता हूँ। आप सबके खुशी के लिए मुझे कभी नौकर भी बनना पड़ता है, तो कभी दूल्हा भी बनना पड़ता है, तो कभी विलेन भी बन जाता हूँ, कभी एक बॉय भी बन जाता हूँ, तो आप सबके जीवन के लिए वो करता हूँ, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई सब हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सबसे सर्वोपरि आप सब हैं, जिनके लिए मैं हर वो चीज़ें करता हूँ। कभी आपकी पत्नी, लोग पूछते हैं कि चंदा भाभी कभी इंटरव्यू क्यों नहीं देती हैं? वो गांव देहात की औरत है, अब अंग्रेजी तो पढ़ ले नहीं क्या? नहीं, भोजपुरी में इंटरव्यू दें? नहीं, लेकिन वो मीडिया के सामने आती कहाँ है, वो क्या बोलेंगी? वो कभी बोलती, मैं तो कपिल जी के शो में भी गया था, तो मैं बोला था कि चलो आप, तो बोले कि नहीं नहीं मुझे टीवी पे आने का कोई शौक नहीं है, आप हैं, आपको देखती हूँ खुशी मिलती है मुझे। तो गांव देहात की औरतें हैं वो, और उनको आपने तो मेरे वाइफ को देखा भी होगा, हर आदमी जानता भी है, बाकी के वाइफों को तो कोई जानता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, तो कम से कम उतना तो है दहरा जी, मैंने अपने पत्नी और बच्चे को आगे रखा है अपने जीवन में, ऐसा नहीं है। और कुछ पूछना है सर? तबरेज अंसारी को कुछ बारे में बोलना चाहेंगे? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.